आप में से 90% लोगों ने इनका नाम भी नहीं सुना होगा। कारण, हमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बताया ही नहीं गया, उसके इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा बताया ही नहीं गया है। और इसीलिए मैं अक्सर नॉर्थ ईस्ट के इतिहास के ऊपर वीडियोस लाता रहा हूँ, जिससे आप उसे समझ सकें और ये जान सकें कि नॉर्थ ईस्ट के लोग भी उतने ही भारतीय हैं जितने कि मैं और आप। और इसी कड़ी में आज हम जानेंगे मूला गभारू का इतिहास, और इन्हीं के इतिहास से जुड़ी है ये बात कि असम में पहली बार बड़े तौर पर मुस्लिम आबादी कैसे सेटल हुई, कैसे स्थापित हुई। देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों, आशा है कि आप सब सेफ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, मूला गभारू के इतिहास को जानने के लिए हमें जाना होगा साल 1527 में, जब असम में अहोम्स का शासन था और अहोम राजा थे सुहोंगमोंग। दूसरी तरफ बंगाल में बंगाल सल्तनत का रूल था, जिसपे हुकूमत थी हुसैन शाही वंश की। हुसैन शाही वंश में सुल्तान था नसीरुद्दीन नसरत शाह, जिसे बंगाल का अकबर भी कहते हैं, शायद इसलिए कि उसने बहुत सारे संस्कृत लिटरेचर को बंगाली भाषा में अनुवाद करवाया। अहोम साम्राज्य पे पहला मुस्लिम आक्रमण 1527 में हुआ, जिसे अहोम्स ने असफल कर दिया। इसके बाद कई हमले हुए जिसमें अहोम्स की जीत हुई, पर इसके बाद आया बंगाल सल्तनत का कमांडर तुर्बक खान, जिसने अहोम राज्य पे हमला किया। अब बहुत से लोग मैंने देखा है कि तुर्बक खान को मुगल कहते हैं, जबकि वो मुगल नहीं था, वो एक अफगान था, बंगाल सल्तनत का कमांडर था। अब उसने अहोम सेना पे हमला किया और अहोम सेना का और अफगानी सेना का युद्ध शुरू हो गया, और ये युद्ध एक लंबे वक्त तक चला, जिसमें एक एक करके 7 अहोम सेनापतियों की मृत्यु हो गई, यानी वो वीर गति को प्राप्त हुए। और उसके बाद अहोम सेनापति बनाया गया फ्रेजेनमोंग को, अगर मेरा प्रोनंसिएशन गलत हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और इन्हीं फ्रेजेनमोंग बोरगोहाइन की पत्नी थी नांगमुला, जो बेटी थी पिछले अहोम राजा शाओफा सुपिम्फा की, यानी ये अहोम राजा सुहोंगमोंग की बहन थी। फ्रेजेनमोंग एक बोरगोहाइन थे, यानी अहोम सेना के पत्र मंत्रियों में से एक। अब अगर आपको पत्र मंत्रियों के बारे में और डिटेल में जानना है, तो आप मेरा अहोम वंश वाला वीडियो देख सकते हैं ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, या फिर इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जहां तक मुझे पता है, गभारू टाइटल जो यंग गर्ल्स होती थी उनके लिए इस्तेमाल होता था, या फिर राजकुमारी के लिए इस्तेमाल होता था, क्योंकि रमानी गभारू नाम की भी एक राजकुमारी थी। वहीं कहते हैं कि जो अहोम सेना में प्रतिष्ठित पद पे व्यक्ति होते थे, उनकी पत्नी को गभारू कहा जाता था, और इसीलिए नागमुला को कहा गया मुला गभारू। अब जब 7 सेनापतियों की मृत्यु की खबर और मंत्री खुनलुंग की मृत्यु की खबर नांगमुला और उनके पति फ्रेजेनमोंग तक पहुंची, तो कहते हैं कि मूला गभारू ने अपने पति से कहा कि असम की स्वतंत्रता के लिए, अहोम राज्य को शत्रु द्वारा विनाश से बचाने के लिए आप युद्ध में सम्मिलित हों। इस पर फ्रेजेनमोंग ने उनसे कहा कि जिसकी पत्नी इतनी निडर हो, उसके जीवन में कोई डर नहीं हो सकता, और जिंदगी और मौत इस देश की स्वतंत्रता से बड़ी नहीं है। फ्रेजेनमोंग ने 101 दिए जलाकर ये कसम खाई कि वो अपने देश, अपने बच्चों और अपने मान की रक्षा करेंगे। इसके बाद वो युद्ध के लिए निकल गए और मूला गभारू उनकी प्रतीक्षा करने लगे। वहीं कई लेखक कहते हैं कि मूला गभारू ने उनसे कहा कि वो भी युद्ध में सम्मिलित होना चाहती हैं, लेकिन फ्रेजेनमोंग ने उन्हें साथ ले चलने से इनकार कर दिया। इसी के साथ कहते हैं कि फ्रेजेनमोंग ने बिना कवच के युद्ध किया था, क्योंकि उन्हें कवच पहनने का भी अवसर नहीं मिला था। इसके पीछे शायद कारण ये है, या कथा ये है, कि माना जाता है कि जब अहोम योद्धा युद्ध के लिए निकलते थे, तो उनकी पत्नी जो होती थी वो उन्हें एक कपड़ा देती थी कवच के तौर पर, यानी वो एक सिंबल होता था कवच का। लेकिन जब फ्रेजेनमोंग युद्ध के लिए निकल रहे थे, तो मूला गभारू को वक्त नहीं मिला या अवसर नहीं मिला किन्हीं कारणों के चलते कि वो उस कपड़े को कवच के तौर पर अपने पति को दे सके। और शायद इसीलिए माना जाता है कि उन्होंने, फ्रेजेनमोंग ने, बिना कवच के युद्ध किया। अब 7 दिनों तक फ्रेजेनमोंग ने युद्ध किया, और 7 दिनों के बाद युद्ध करते हुए रणभूमि में वो वीर गति को प्राप्त हुए। इसके पीछे हाथ था तुर्बक खान का। इसके बाद तुर्बक खान वापस चला गया, और ये खबर 7 दिनों के बाद पहुंची मूला गभारू तक। मूला गभारू के मन में अब सिर्फ दुख और बदले की भावना थी,
वो जानती थी कि तुर्बक खान चला तो जरूर गया है पर वो वापस जरूर आएगा। उन्होंने शांत बैठने से बेहतर समझा खुद को ट्रेन करना, खुद को तैयार करना, और उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी शुरू की और वो खुद को तैयार करने लगी उस आने वाले वक्त के लिए, उस युद्ध के लिए जो असम में इतिहास रचने वाला था। उन्होंने और भी महिलाओं को युद्ध के लिए प्रेरित किया, जैसे जयंती, पमिला, ललिता आदि। उन्होंने महिलाओं की एक तरह से टुकड़ी बनाई। जैसा कि मुला गबारू ने सोचा था, तुर्बक खान वापस आया और इस बार पहले से भी बड़ी सेना लेकर असम को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए। साल था 1532। अब कई कॉन्फ्लिक्ट होते गए अहोम्स और तुर्बक खान की सेना के बीच। इसके बाद मार्च 1533 में पहली बड़ी जीत हुई अहोम्स की, जब तुर्बक खान की जल सेना को अहोम्स ने पूरी तरह से हरा दिया। इसके बाद दोनों सेनाएं दिकरई नदी के दोनों ओर अपने अपने खेमे बनाकर वहां रुक गईं। फाइनली अहोम्स ने तुर्बक खान की सेना पर अटैक किया और यही वो युद्ध था जिसमें मुला गबारू और तुर्बक खान आमने सामने आए। शुरू के तीन दिन मुला गबारू युद्ध में उतरती और उनके सामने जो भी अफगान आता वो उसे खत्म करती जाती। इसके बाद चौथे दिन जब वो युद्ध के लिए निकली तो कहते हैं कि राजकुमार सकलेन उनके सामने आया और उन्होंने मुला गबारू से कहा कि वो काफी ज्यादा थक गई हैं, इसलिए आज के दिन वो आराम कर लें। जिस पे मुला गबारू ने गुस्से में भर कर सकलेन से कहा कि जब तक वो तुर्बक खान के आर्मी को हरा नहीं देती और तुर्बक खान को मार नहीं देती तब तक वो आराम नहीं करेंगी। और आखिरकार उन्होंने अपनी तलवार ली और युद्ध भूमि में उतर गई और फिर उनका सामना हुआ तुर्बक खान से पहली और आखिरी बार। तुर्बक खान को देखते ही उनका खून खौल उठा और अब वक्त आ गया था उन्होंने जितनी भी मिलिट्री ट्रेनिंग ली थी उसे आजमाने का। उनका और तुर्बक खान का युद्ध शुरू हो गया जिसे अहोम सेना देखती रह गई और मुला गबारू को देखते ही उनका जोश और बढ़ गया। मुला गबारू और तुर्बक खान का भयंकर युद्ध चल रहा था, लेकिन तुर्बक खान जो था वो एक ट्रेंड मिलिट्री ऑफिसर था, उसे युद्ध का बहुत ज्यादा तजुर्बा था और इसका नतीजा ये हुआ कि युद्ध में हार मानकर पीछे हटने की बजाय मुला गबारू ने लड़ाई की और वीर गति को प्राप्त हुई। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि मुला गबारू बहुत ही ज्यादा भयंकर तौर पर युद्ध कर रही थी तुर्बक खान के साथ और इसी बीच तुर्बक खान के एक पठान योद्धा ने पीछे से मुला गबारू के ऊपर एक भाला फेंका और उसी कारण वहीं पर वो वीर गति को प्राप्त हुई। उन्हें इस हालत में देख के जो अहोम सैनिक थे और जो अहोम महिला सैनिक थी वो आगे आई और उन्होंने देखा कि मुला गबारू मुस्कुरा रही थी। उन्होंने अहोम सैनिकों से कहा कि मृत्यु तो एक दिन सभी को आनी है, लेकिन जीते जी ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपके मरने के बाद, आपके जाने के बाद भी आने वाली पीढ़ियां और लोग आपके बलिदान को याद करते रहें और प्रेरित होते रहें। और ऐसा कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन उनके इस बलिदान से जो अहोम सैनिक थे उनमें साहस की एक नई आग जल गई। अब अहोम और अफगानी सेना में आखिरी युद्ध हुआ भराली नदी के पास दुईमुनि सिला में। अहोम जनरल कानसेंग बोरपत्रा गुहाई ने तुर्बक खान के साथ भयंकर युद्ध किया और तुर्बक खान जो बार बार अहोम सेनापतियों की मृत्यु का कारण बना था उसे आखिरकार कानसेंग बोरपत्रा गुहाई ने खत्म कर दिया और इसी के साथ अहोम सेना ने अफगानी सेना को करतोया नदी के पार तक खदेड़ दिया। सुल्तान ने शांति की गुहार लगाई और कहते हैं कि अपनी दो बेटियों को अहोम राजा के पास भेजने का प्रस्ताव रखा, जैसा कि उस वक्त राजाओं के बीच हुआ करता था संधि के नाम पर। इस युद्ध का और इन इंसिडेंट्स का बहुत ज्यादा जिक्र हमें अपनी इतिहास की किताबों में नहीं मिलता, लेकिन इस रीजन का इतिहास लिखने वाले सर एडवर्ड गेट ने अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ असम में इस युद्ध का या मुला गबारू का जिक्र किया है। पर जैसा कि मैंने कहा कि इस युद्ध का बहुत ज्यादा जिक्र हमें अपनी इतिहास की किताबों में नहीं मिलता, लेकिन इतना साफ है कि तुर्बक खान पहली बार 1527 से 1532 के बीच अहोम किंगडम पर हमला करने आया था और वो दोबारा आया था साल 1532 में
और साल 1532 से मार्च 1533 के बीच जो युद्ध हुआ उसी में उसका सामना हुआ था मुला गबारू से। और बहुत से लोग कहते हैं कि मुला गबारू वीरगति को प्राप्त हुई साल 1532 में, हालांकि मेरा मानना है कि 1532 से मार्च 1533 के बीच जो अहोम और अफगानी सेना के बीच, बंगाल सल्तनत के बीच युद्ध चल रहे थे, उसी बीच 1532 से मार्च 1533 के बीच मुला गबारू वीरगति को प्राप्त हुई होंगी। इस युद्ध में जो अफगान सैनिक पकड़े गए थे, बंदी बना लिए गए थे, वही आगे चलकर असम की पहली महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी बनी। वो बंगाल सल्तनत के गौर नाम की जगह से आए थे, इसलिए उन्हें गरिया कहा गया। हालांकि बाद में असम के जो दूसरे मुस्लिम्स भी थे उनके लिए भी इस शब्द गरिया का इस्तेमाल किया जाने लगा। बाद में जो मुस्लिम आबादी थी इनके वंशजों ने पीतल का काम किया और पीतल के अच्छे कारीगर या शिल्पकार के रूप में यह आबादी प्रसिद्ध हुई। इसके पहले जब बख्तियार खिलजी 10,000 से 12-13,000 के सैनिकों के बीच आया था इस रीजन में और कामरूप में उसकी हार हुई थी, तो जो मुस्लिम आबादी यहाँ रुक गई थी उनसे इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी सेटल हुई थी। पर उस बार से ज़्यादा इस बार मुस्लिम आबादी यहाँ सेटल हुई जब तुर्बक खान अपनी सेना के साथ यहाँ पर आया। 29 मई को असम में मुला गबारू दिवस मनाया जाता है। प्रदेश के दूसरे हिस्सों में उनका नाम भी किसी को नहीं पता, पर अब वक्त आ गया कि हम अपने इस तरह के ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को जानें, और इसलिए जब तक मैं हूँ मैं इस तरह हमारे इतिहास से आपको रूबरू करवाता रहूँगा। इसलिए चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करें जिससे इस तरह के इतिहास के बारे में आप जानते रहें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।